Hello, students. How are you all? Hope you are fine and safe at your place. So, let's start today's class. Today's class for class 3rd subject English reader, and the book name is Together with Essence, Term 3. So, this is poem 1 because poem has no chapter number. So, this is lecture 1 of poem, and the, and the topic is The Cocoon. So, this is poem name. Topics to be covered in this poem.

दिस वंडरफुल पोएम टू फाइंड आउट सो यहाँ पर ये वंडरफुल पोएम है पता लगाने के लिए ओके सो फर्स्ट आई विल डिस दिस पोएम देन आई विल एक्सप्लेन यू ओके सो यू प्लीज लिसन केयरफुली आई फाउंड द कोकोन दैट अ कैटेपीलर मेड सो कोकोन ओके कोकोन पिक्चर इज ऑलरेडी गिवेन ऑन पेज नंबर फोर्टीन सो जस्ट ओपन पेज नंबर फोर्टीन फर्स्ट सो दिस इज द पिक्चर ऑफ कोकोन ओके बेटा ये पिक्चर है कोकून की जो कैटेपिलर बनाता है ओके नाउ कम टू पेज नंबर थर्टीन अगेन आई फाउंड अ कोकून दैट अ कैटेपिलर मेड फ़ास्टन टू अ लीफ हैंगिंग इन द शेड ही बेरली हैड रूम टू विगल और वैग लाइक मी अप इन माय स्लीपिंग बैग आई लुक्ड ईच टाइम दैट आई पास हिज वे बट ही नेवर बर्स्ड अंटिल जस्ट टूडे something happened he wagged and wiggled and then climbed out and carefully jiggled small wet wings that grew as they dried he turned to a to a butterfly in inside okay now i'll i will explain you so from first stanza so the poet say i found a cocoon that a caterpillar made mujhe ek cocoon mila jise ek caterpillar ne banaya फासन टू अंगिंग इन द शेड पत्तों की छाओ में जकड़े हुए लटका हुआ फासन मीन्स बेटा जकड़ा हुआ या बांधा हुआ एंड शेड मीन्स छाया ओके सो आई फाउंड अ कोकोन दैट अ कैटरपीलर मेड फासन टू अ लीफ हैंगिंग इन द शेड मुझे कोकोन मिला जिसे एक कैटेपिलर ने बनाया पत्तों की छाओ में जकड़े हुए लटका हुआ ही बेरली बेरली मीन्स मुश्किल से ओके एंड विगल एंड वैग मीन्स हिलना डुलना ओके सो ही वेयरली हैड रूम टू विगल और वैग उसके पास मुश्किल से ही हिलने के लिए जगह थी लाइक मी जिप ड अप इन माई स्लीपिंग बैग मुझे अपने स्लीपिंग बैग में जिप करने जैसा मीन्स जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जैसे मैं अपने स्लीपिंग uh, बैग में जिप अप हो जाता हूँ मीन्स पैक हो जाता हूं और उसके बाद मैं हिल डुल नहीं सकता ऐसे ही बेरली हैड रूम टू विगल और वैग उसके पास मुश्किल से ही हिलने के लिए जगह थी आई लुकड ईच टाइम दैट आई पास हिज वे बट ही नेवर बर्स्ड अंटिल जस्ट टूडे पोइट कहते हैं उसके रास्ते में गुजरते हुए मैंने हर बार देखा कि वह आज तक कभी नहीं हिला ओके बर्ड मीन्स हिलना Something happened. He wagged and wiggled. Again, wagged and wiggled means hilla dula. Okay. And then climbed out and carefully jiggled small wet wings that grew as they dried. He just turned to a butterfly inside. Something happened means kuch hua. वैग्ड एंड विगल मीन्स वो हिला ढुला या लड़खड़ाया लड़ ओके okay, और वो बाहर फिर चढ़ गया देन ही क्लाइम्ब आउट वो फिर बाहर चढ़ गया एंड केयरफुली जिगल जिगल मीन्स बेटा मीन्स जो जो उसके पंख होते हैं पंख को जैसे हिलाता है ना हिलाने वाली जो होती है बजना तो जो आवाज आती है ना बजने वाली जिगल मीन्स वो होता है एंड केयरफुली जिगल स्मॉल वेट विंग्स जब जो बटरफ्लाई थी जो वो बाहर निकली बेटा कोकून से तो जो उसके आ, जो उसके पंख थे वो वेट 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 विंग्स मीन्स गीले पंख ओके विंग्स मीन्स पंख तो जो उसके पंख थे वो गीले थे तो उनको ड्राई करने के लिए उसने फट मीन्स अपने पंखों को हिलाना शुरू किया तो जो आवाज आई बजाना या हिलाना यू कैन से दैट दैट ग्रू एज दे ड्राइड और जैसे सूख रहे थे वो बढ़ भी रहे थे साइज में ओके okay? टर्न टू अ बटरफ्लाई इन साइड और वह एक तितली के अंदर बदल गया मीन्स वो जो कैटेपीलर था वो एक तितली के अंदर बदल गया या तितली बन गया यू कैन से लाइक दैट ओके सो दिस इज द पोएम नाव वी विल सी द रमिंग वर्ड्स ऑफ दिस पोएम ओके सो लेट्स आर द रमिंग वर्ड्स इन फर्स्ट एंड मेड एंड शेड ओके because both words having same sound now wag and bag again these both the words having same sound now next way today these both the words having same sound now next waggled wiggled and jiggled and next is dried, and inside. Okay, so these are the rhyming words of this poem: made, shade, wag, bag, way, today, wiggle, jiggled, and dried inside. Okay, now just move to page number fourteen. So page number fourteen, show what you know. फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम्स सो बेटा आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं पोएम से ओके सो फर्स्ट राइमिंग वर्ड इज मेड एड ऑन एम ए डी ई मेड यू कैन सी ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट एंजर मेड एंड सेकेंड इज शेड एस एच ए डी ई शेड ओके मेडमींस बनाया एंड शेर मीन छाया नाक्सिस वैग डब्ल्यू ए जी वैग एंड नेक्स्ट इज बैग बी एजी बैग वैग मीन्स हिलना एंड बैग मीन्स जो आपका बैग होता है थेला नाउ नेक्स्ट इज विगर्ल्ड W I double -G, G L E D Wiggled and jiggled J I double -G, G L E D Jiggled Wiggle means Hilla Dulna and jiggle means Bajna. Okay, next is dried D R I E D Dried. Dried means sukna and inside next is inside and i n s i d e inside means under okay so these are the rhyming words now come to next exercise so thinking caps on the following pictures are showing how a butterfly is formed but they are not placed in the correct order number them in the sequence correctly सो इन दिस एक्सरसाइज वट यू हैव टू डू आपको क्या करना है बेटा सो वट यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज बेटा आपको क्या करना है आपको ये पिक्चर्स शो की हुई हैं ठीक है हाउ आर बटरफ्लाई इज फॉर्म कैसे बटरफ्लाई बनती है बट दे आर नॉट प्लेस इन द करेक्ट ऑर्डर इनके जो ऑर्डर्स है वो करेक्ट नहीं है नंबर द इन सीक्वेंस करेक्टली सो आपको इनको नंबर देने की फर्स्ट स्टेप कौन सा है सेकेंड स्टेप कौन सा है ओके सो

एंड फोर्थ इज वेन कैटे पिलर मेक लेयर ऑन इट अपने ऊपर जो लेयर बनाता है दैट इज कॉल्ड पुपा ओके मीन्स कोकोन फोर्थ स्टेप इज दिस एंड फिफ्थ इज दिस पुपा ब्रेक्स कोकोन ओपन ओके जब कोकोन को पूपा uh, जो ब्रेक करता है ठीक है जो कोकोन होता है वो ओपन होता है एंड सिक्स इज उसमें से क्या निकलता है बेटा बटरफ्लाई So, in that, butterfly comes. Okay, so this is the life cycle of butterfly. Okay, now come to page number 15. So, this is page number 15. Write a while. I will explain you this exercise later on. But before that, we will do word meanings of this poem in English notebook. Okay, so first take out your English notebook. So, in notebook, first you have to write format. So, first write down date. D A T E. Date. Write down 14 12 20. So, in center, write down poem 1. And this side, write down day. M O N T A Y Monday and in center write down in second line write down poem's name The Cocoon so topic write down word meaning W O R D word मीनिंग एम ई ए एन आई एन जी वर्ड मीनिंग नाउ फर्स्ट वर्ड रेडाउन नंबर वन फासडाउन एफ ए एस टी ई एन ई डी फासन फासन मीन्स जकड़ा हुआ रेडाउन जकड़ा हुआ जकड़ा हुआ नाउ सेकेंड वर्ड इज हैंगिंग एच ए एन जी आई एन जी हैंगिंग हैंगिंग मीन्स लटकना

मुश्किल नाउ फिफ्थ इज वीगल सॉरी इन बियली यू हैव टू राइट डाउन कैपिटल बी ओके नाउ राइड वीगल डब्ल्यू आई डबल जी एल ई विगल मीन्स हिलना डुलना हिलना ज बी यू डी जी ई डी बजड बजड मीन्स अगेन हिलना हटना यू कैन ऑल्सो राइट हटना हटाना सॉरी हटाना ओके नाव नंबर सेवेंथ इज क्लाइम्ड सी एल आई एम बी ई डी क्लाइम्ड क्लाइम्ड मीन्स चढ़ गया चढ़ गया नाउ नंबर एट इज जिगल्ड जे आई डबल जी एल ई डी जिगल्ड जिगल्ड मीन्स बजना Okay, okay, so these are the word meanings of this poem. So you have to write these word meanings in your notebook. Okay, now come to page number 15. This is page number 15. Write a while. So this is your homework Peter. 14 12 20. So what do you have to do in this exercise now, write in your own words. द स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बटरफ्लाई टेक हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन इन प्रीवियस एक्सरसाइज सो इन दिस एक्सरसाइज बेटा आपको बटरफ्लाई की फॉर्मेशन स्टेप वाइज लिखनी है कि बटरफ्लाई कैसे बनती है ओके टेक हेल्प ऑफ द पिक्चर यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एक्सरसाइज थिंकिंग कैप्स ऑन वहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई तो आप वहाँ से पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हो एंड देन यू हैव टू राइट स्टेप्स इन योर ओन लैंग्वेज ओके अपने खुद की लैंग्वेज में आपको बटरफ्लाई की फॉर्मेशन लिखनी है सो दिस इज योर होमवर्क एंड सेकेंड होमवर्क इज रिविजन असाइनमेंट ऑफ पोएम वन द कोकून विल बी अपलोडेड ऑन एटक्वार एंड व्हाट्सअप ओके सो दिस इज योर सेकेंड होमवर्क आपका रिविजन असाइनमेंट पोएम वन का द कोकून का मैम आप अपलोड कर देंगी एटक्वर्क पर एंड व्हाट्सअप साइट पर ओके So if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.